बैकअप हो चुका है, ध्यानी के साथ बहुत ध्यान से काम किया है मैंने। इसके चैनल को फॉलो करो और इसको बताओ कि मैं पापा हूँ। गाइस ये देखो, आपको लग रहा होगा ना बाहर जैसे सनलाइट आ रही है, बट ये ओरिजिनल सनलाइट नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी काम पे आया हूँ मैं। तो गाइस मेरे काम की शुरुआत होती है स्क्रिप्ट पढ़ने से, तो मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करूँगा। वैसे तो मैं पढ़ता वही आया था मेट्रो में, बट फिर भी एक बार और। भाई पराठे खा रहा हूँ चाय के साथ, सब्जी भी थी ली नहीं मैंने। बाकी ये सेटअप रेडी हो रहा है। तो गाइस कुछ ऐसा मेरा रहने वाला है लुक इस स्क्रिप्ट में, इस करेक्टर में। और आज मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर के साथ है मेरा शूट, जो मेरे को एक्टर हैं, जो मेरे पिताजी के किरदार में रहेंगे। मेरी बात कर रहा था, मैंने प्रसाद मंगाया था, मंदिर गई हुई है ना वो। यार पापा आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मंदिर गई है? अरे उस तो आज इनके साथ शूट है मेरा, धीरज, धीरज सर के साथ। वो देहरादून से सुबह सुबह ही पहुंचे हैं 5 बजे। हेलो। तो आज मेरी साइड का शॉट पहले लग रहा है, तो अभी वो फ्रेम चेक कर रहे हैं। देखो ये मेरा फ्रेम है जो दिख रहा है। तो गाइस ये रहा फाइनल फ्रेम एंड लाइटिंग, बताइए कैसा लगा आपको? आ गए हैं धीरज सर हमारे पिताजी के किरदार में। सर जी हेलो तो बोल दो एक बार। अरे भाई अभी सो के उठा। तो गाइस शूट स्टार्ट करने से पहले हर बार गणपति जी की पूजा होती है, गणपति रोल होता है। सबसे पहले फ्रेम में कैमरे में गणपति जी की ही फोटो रोल की जाती है। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। कट। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। अरे भाई तो गाइस मेरा आउटडोर शूट कर रहे हैं वे। तो ये BTS एक AD ने बना के भेजा है मुझे, थैंक यू भाई इस वीडियो के लिए। अहिंदू कैसी है? अहिंदू कैसी है? तेरे पापा ने फेसबुक पे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की थी। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। बहुत गुस्से में हूं इसको सोचते हुए। मैं रिएक्ट करना भूल जाता हूं, देखता सर ये वाला नहीं, ये ज्यादा है, इसको कम करो। मेरा हो गया ना मेरी साइड का टेक। अरे ये तो कमेंट है, क्यों तेरे को नहीं आते? नहीं नहीं खाना खाना खाना। अच्छा ये क्या है? ठीक है ये सब्जी है, रोटी है, पानी है। क्या है पापा ये? अरे सब्जी है, रोटी है, पानी है, और क्या है? अरे ये नहीं पापा, ये तो गाइस फाइनली लास्ट टेक। नोएडा में शूट हो गया ना, तेरे को बताया तो मैं जा रहा हूँ, फ्री हो जाऊंगा एक घंटे तक। फ्री हो तो गाइस फाइनली ब्रेक चल रहा है, लंच कर रहा हूँ। बाकी ऑलमोस्ट मेरा हो ही चुका है, मेरा एक बाहर का सीन है आउटडोर का, वो होगा देन पैकअप। पहली बार में कर दिया था मैं, फिर दूसरी बार में भी करा था, तो भी सेम मंथ में एक और बार। अंदर हो तो क्या करूं मैं? इतने सर हम रेडी होते हैं। देख ना तेरा सपोर्ट, सुबह सुबह वहां पे रूम में बैठो सर। हां वो नहीं है लेकिन दे से ना बेटा आवाज लगाएगा तो उसको कनेक्शन अभी हो जाएगा। गाइस ये देखो, आपको लग रहा होगा ना बाहर जैसे सनलाइट आ रही है, बट ये ओरिजिनल सनलाइट नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना शूट पे, सन अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है पूरे दिन, और शूट तो चलता है पूरे दिन, तो लाइटिंग मैच नहीं होती। तो ये देखो यहाँ से सेटअप कर रखा है, ये देखो 2 लाइटें जल रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक ये फिल्टर लगा रखा है,
जो कि पूरा सनलाइट का फील दे रही है। हम रात में भी शूट करेंगे अगर, तो अंदर दिन वाला ही फील आएगा। तो ओके, देयर इज द पावर ऑफ सिनेमा, यू नो देयर इज द पावर ऑफ फिल्म मेकिंग। ये लाइट्स हैं गोडॉक्स की। और गाइज ये है नजर बट्टू का बंगला जहाँ सारा शूट होता है। Pack up, finally pack up. Thank you. नग्न अवस्था में, अरे भाई साहब दिखाना। कौन है? ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी जवानी में फोटो खिंचवाने की शौकीन थे, तो अब कोई भी देखता तो क्या था, भगत सिंह। भगत सिंह भाई बोलने वाला। भगत सिंह, हाँ भगत सिंह ही लगते हैं। मेरे पिताजी उसमें निकले ना, क्या कहते हैं वो, सैनिक स्कूल से पास आउट थे। ओके, सैनिक लग भी रहे हैं। तो गाइस पैकअप हो चुका है। ध्यानी के साथ बहुत ध्यान से काम किया मैंने। इसके चैनल को फॉलो करो और इसको बताओ कि मैं पापा हूँ। ऑन रील रील वाला पापा, नॉट रियल, रील वाले पापा, रील वाले पापा हैं ये। बहुत बढ़िया लड़का है, इसके साथ काम करो, परेशान रहो। नहीं, बहुत बढ़िया बंदा है। फिर रात को फोन आएगा, ठीक है। ये बहुत दिनों बाद मिला मेरे को, एक डेढ़ महीने बाद हम मिले। हाँ, ज़्यादा। बस मज़ा आ गया इसके साथ काम करने में। और मैं क्या बोलूँ यार, मेरे को ना ब्लॉगिंग बोलना नहीं आता। मैं सिर्फ इसकी वजह से बोल रहा हूँ, ये मेरे को सिखा रहा है कि ब्लॉगिंग बोलते कैसे हैं। जैसे बताते ना कि देखो ये गाइस, गाइस तो बोला नहीं आपने, गाइस गाइस प्लीज फॉलो हिम बेबी। अरे पापा, ये क्या हो गया पापा, क्या हुआ? पापा पापी बन रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम पापी बने हुए हैं, पापा पापी बने हुए हैं। बेटा शरीफ है, बेटा शरीफ नहीं है, बेटा कह रहा है पापा गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आयो आयो आयो। तो गाइस निकल गया हूँ मैं, और अभी बच रहे हैं शाम के 5:30। और आज जल्दी पैकअप हो गया क्योंकि डायलॉग एकदम रटे हुए थे, तो ज्यादा टेक लगे नहीं। और मैं अभी अपने घर नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ डायरेक्ट शरद भाई के घर पे। आज मैं वहीं पे स्टे करूँगा क्योंकि कल हमारा शूट है म्यूजिक वीडियो का, जिसमें मैं एडी हूँ, तो उनके वहीं जाऊँगा, वहीं रहूँगा आज। सो गाइस, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय बद्रीनाथ।